चल सर, बताता हूँ, चल क्या वो सर, तो चल जो पकड़ा क्यों सर, क्या वो सर पता चल जाएगा। एक कुत्रिया, बोल कहाँ है तेरा बेटा? वो तो जेल में है साहब। वो जेल से भाग गया है? जेल से भाग गया मुझे नहीं मालूम है सर। कौन है इनका बेटा? कैलाश, उसके माँ बाप है। नहीं जानता तो तुझे छोड़ देंगे क्या कुत्रिया? यही बात आप प्यार से भी पूछ सकते हैं, हाथ काहे को उठा रहे हैं? कौन है बे तू? बीच में बोला तो जुबान निकाल लूंगा, उस बुढ़िया को खींच कर लाओ। सर कहाँ है तेरा बेटा बता? मुझे नहीं मालूम। तुझे सब मालूम है? तुम लोग इधर इंक्वायरी करे आओ या इंट्रोगेशन के लिए? बकवास बंद कर, तुझे तो बाद में देख लूंगा। बता बुढ़ी, बता वरना कपड़े उतार कर मारूंगा। बताती है कि नहीं? ये तेरे माँ की जैसी है, माँ के साथ कोई ऐसे बात करता है? ये मेरी माँ जैसी है? ये मेरी माँ जैसी है? अरे मेरी माँ तो मेरे घर में है, ये तो कोई धंधे वाली है। अब अगर और कुछ बोला ना तो खलास कर डालेगा तेरे को। थाने में जितनी पुलिस है सबको बुलाओ। भाई ये तो अपन के आदमी की धुलाई कर रहा है। भाई क्या करना भाई? तू इधर काय को आया? ये तेरे आदमी लोग हैं क्या? और ये बीच में क्यों आ रहा है? इसका क्या लेना देना? छोटू ये लो। पुलिस वाला होकर कोई और लाचार को मारता है? तूने इन लोगों को किडनैप करने के लिए भेजा ना? बोल सच है या झूठ? कैलाश तो तुम्हारे पास ही काम करता है ना, फिर उसके माँ बाप को क्यों किडनैप करने आया? तेरा असली प्लान क्या है रे? सॉरी, सारा प्लान खराब कर दिया। मार मार के खत्म कर दो कुत्ते को। ये नहीं मरा तो मैं पुलिस स्टेशन कभी नहीं जाऊंगा। उस दिन मुझे अच्छा लगा था और आज और भी अच्छा। अफसोस है लेकिन एक दिन इसको मार दिया। ए, कैलाश के माँ बाप कहाँ? वो रहे सामने। अरे हथकड़ी क्यों लगाई है? मुझे क्या पता भाई। अबे तेरे को तो कुछ नहीं पता। समझ में नहीं आता आप कहीं भी क्यों बैठ जाते हैं। एक तो वैसे ही मुझको कुछ समझ नहीं है और एंड व्हाई आर यू वरिंग अबाउट माय सिटिंग पोजीशन? तू इनको मार डालेगा, मार डालेगा इनको, मार डालेगा। तेरा प्रॉब्लम वो कैलाश के साथ है, अगर वो मिले तो बेशक उसको मार डाल, लेकिन इन बुड्ढे लोगों को परेशान मत कर। अगर इनको कुछ हुआ ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा, तेरे को तड़पा तड़पा के मारूंगा। Oh!
अगर तूने इसे अपने पुलिस स्टेशन में नहीं मारा तो मैं तुझको मार डालूंगा। जॉनी भाई, जॉनी भाई, मैं तुम्हें दाऊद इब्राहिम समझ के तुम्हारे पे भरोसा किया, तुमने कैलाश का क्या उखाड़ लिया? बोला वो नहीं मिला तो मैं क्या करूं? मैं बहुत मेजोरिटी से जीता हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई खुशी नहीं है। जैसे ही कैलाश का नाम याद आता है ना, मेरा दिल घबराने लगता है, कभी कभी तो मेरी पैंट भी गीली हो जाती है। कल मैं मिनिस्टर पद की शपथ लेने वाला हूँ, फिर भी कोई एक्साइटमेंट नहीं है, याद रखो, डर लगता है, पता नहीं क्या हो जाएगा। ए भाई, हर न्यूज चैनल पर ना मेरी खबर आ रही है, आज बहुत टेंशन में जी रहा हूँ, कहीं जनता मेरी पैंट गीली कर दे। अरे बाप रे, क्या मेरे भाई, अरे कुछ करना तू। क्या करूं, घर निकल तू, वोडका के दो पैक मारो, सो जा। मैं यहाँ वोडका विस्की की बात करने नहीं आया हूं। निकलेगा यहाँ? अरे फालतू की बात छोड़ो ना यार। फालतू बात है, मेरे आदमी को मार दिया वो फालतू बात है, धंधा चौपट के वो फालतू बात है, पार्टी की इज्जत गई वो फालतू बात है। अरे वो बात नहीं, मेरे बाप, मेरी बात समझो तुम। बोतल, मेरा गुस्सा उस पे क्यों उतारते हो? अरे वोडका बोतल दे, मुझे मारो, मारो पिछवाड़े पे, मारो ना, वैसे भी जनता वाट लगाने वाली है। ले, आई विल हैंडल इट। इस तरह मत देखो सर, मैं भी लगभग डिपार्टमेंट का ही आदमी हूँ। तूने मुझे मारा साले, मेरे गले में कुत्ते का पट्टा पहना दिया तूने। अरे इतना गुस्सा मत करो साहब, पूरी रात तो पिटाई की तुमने मेरी। कमिश्नर को फोन लगा, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं। फोन कधे के अंडे, आज मैं तेरा लॉकअप में ही एनकाउंटर कर दूंगा। कौन चाहिए? ये। अरे टिफिन लाई मेरे लिए, थैंक यू सो मच। वो सब ठीक है, कमिश्नर को फोन करो, ये मुझे कुत्ते की तरह पीट रहा है। सुनो, साहब को बोलो मैं जेल में हूँ, नंबर मिलाओ 8998 9 4 6। जाने दो, वो अपना ही आदमी है। सर डॉक्टर ने कहा है मुझे ठीक होने में कम से कम 10 दिन लगेंगे, इसलिए कम से कम 10 दिन इसे रिमांड पर रहने दीजिए सर, प्लीज सर। ए निकल, चल चल। ओके सर, ओके। नमस्ते सर। तुम्हारे इंस्पेक्टर का जवान बहुत गंदा है, बूढ़े लोगों को भी गाली देके बात करता है। भाई डिपार्टमेंट वाला ऐसा बिहेव करेगा तो कैसे चलेगा? ए ये टॉपिक छोड़, लाइव सेट करने के लिए तूने मुझसे काम के लिए पूछा था? हाँ सर। ये कैलाश को पकड़ो और जितना चाहो उतना माल कमाओ। ओके सर। ये देखो उसका डिटेल। तू मुझसे प्यार करने लगी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि कुछ समझ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर रो क्यों रही है? मैं पिक्चर जाती हूँ तो भी रोती हूँ, ये सब सच समझ कर तुम खुश मत हो। ऐसा भी कोई रोता है कि... ए छोटू, आज ड्राइड है, दारू नहीं मिल रहा है, मेरा हालत बहुत बुरा हो गया, गला सूख रहा है रे। अबे दारू का इंतजाम मैं कर दूंगा, तू मेरे माँ बाप को ढूंढ प्लीज। ए छोटू संभाल के, घर जाकर दवाई लगा लेना। अरे मेरे को कौन लगाने वाला है, चल तू आ जा। हाँ? तू ही लगा, चल ना, जाओ ले जाओ इन्हें, जाओ। आप आ रहे हो ना? चलो हम आते हैं। उठ बे, उठ बे, खाना खा ले। साला सुबह से टाइट हो जाता है, याद रखना रात को खाना मांगा तो मार डालूंगा। अरे दीनाना जी, आप तुम्हारे लिए खाना लेकर आए बेटा। मेरे लिए काय को तकलीफ किया? बेटा हम खाना खाने बैठे तो तुम्हारी याद आ गई, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे लिए पुलिस से भी मार खाई, और हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ले लाइए, खा लेना बेटा। आपको मेरा पता किसने बताया? समीरा ने।